दोस्तों आज मैं आप लोगों को चातक पंछी के बारे में कुछ रोचक जानकारियां दूंगा, तो चलिए शुरू करते हैं। चातक पंछी एक कोयल परिवार का सदस्य माना जाता है। ये पंछी अधिकतर अफ्रीका एशिया के महाद्वीप में पाए जाते हैं। चातक पंछी के पंख काले रंग के होते हैं और शरीर का निचला हिस्सा सफेद रंग में होता है। इस पंछी को मारवाड़ी भाषा में मिकेवा और पपिया नाम से जाना जाता है। चातक पंछी के सिर पर चोटी नुमा की रचना होती है और यह निशान अपने कुल के दूसरे पंछियों से अलग रहता है। चातक पंछी की ये खासियत है कि यह पंछी वर्षा की पहली बूंद पानी ही पीता है। यदि आप इस पंछी को पानी में फेंक दे तो यह पंछी पानी नहीं पीता है, यह अपनी चोंच को बांध कर रखता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये पंछी मरना पसंद करेंगे लेकिन धरती पर मौजूद पानी नहीं पिएंगे। इस पंछी की पूंछ बहुत लंबी और पतली होती है। ये पंछी बारिश के सीजन में दिखाई देता है और मधुर आवाज निकालता है। नर और मादा दिखने में एक जैसे ही लगते हैं और यह पंछी अधिकतर दिन के दौरान ही सक्रिय होते हैं और रात के समय आराम करते हैं। इस पंछी की चौथी और पहली उंगली पीछे की ओर मुड़ी हुई होती है। इस पंछी की लंबाई करीब 15 से 16 इंच के आसपास होती है, जबकि इसका वजन करीब 20 से 40 ग्राम तक होता है। ये पंछी एक ऐसा पंछी है जो अक्सर जोड़ा बनाकर ही रहते हैं, मगर शाम के वक्त ये जोड़ा से अलग हो जाते हैं। यह पंछी भी कोयल पंछी की तरह अपने अंडे को दूसरे पंछी के घोंसले में देता है। इस पंछी का जीवन काल करीब 3 से 4 साल का होता है। तो दोस्तों मैंने आपको चातक पंछी के बारे में कुछ रोचक जानकारियां दी। तो ऐसी जानकारी के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।